हेलो बच्चों, तो अब बात करते हैं प्रिज्म की। आप सबने अपने केमिस्ट्री लैब में, सॉरी फिजिक्स लैब में देखा होगा, एक ग्लास की इस तरह से स्ट्रक्चर है, उसको हम स्लैब बोल देते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मिलती है आपको, विच इज नोन एज प्रिज्म। तो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जिसके एटलीस्ट दो लेटरल सर्फेसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। तो ये एक एंगल हो सकता है, ये एक एंगल हो सकता है, ये एक एंगल हो सकता है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो एटलीस्ट दो एंगल वहां पे कम से कम होंगे। तो देखिए, यहां से इंसिडेंट रे आई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इसका नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला होना था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो यहां से इमर्ज कर रही है। सो दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए, ये पाथ फॉलो करने वाली थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये इस पाथ से बाहर निकल जाती है। सो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आई, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे भी हमने नॉर्मल, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वहां पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जो डिस्पर्शन है व्हाइट लाइट का, वो ग्लास प्रिज्म से होता है। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जो व्हाइट लाइट है इसका, इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन होना जब ये प्रिज्म में से निकलती है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये लाइट सेवन कलर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम विबक्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो इजी वे में आप देखिए, ये जो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज है जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड करते हैं, ये प्रिज्म के दो सर्फेस है। ये एंगल इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रेक्टेड रे। या इसको इमर्जेंट रे भी आप कह सकते हैं, यहां पे इसको इमर्जेंट रे कहेंगे हम। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन जब लाइट रे पहले सरफेस पे स्ट्राइक करती है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल पाथ उसको फॉलो करना था, क्लियर? ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। अब जो डिस्पर्शन है ये क्यों होता है, व्हाई दिस डिस्पर्शन टेक्स प्लेस? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि जो डिफरेंट कलर्स हैं लाइट रे, वो वैक्यूम में तो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, बट जैसे ही कोई दूसरा मीडियम उसको मिलता है, दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड एंड बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जिसकी वजह से वो अलग अलग बैंड्स बना देते हैं, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे देखिए, अलग अलग वेवलेंथ है, रेड का जो डेविएशन है सबसे कम है और वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। और ये हमें जो मिला, दिस इज स्पेक्ट्रम, विबग्योर जो हमें मिला है, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब अगर हम उल्टा कर दें, अगर इन सेवन कलर्स को अगर हम फास्ट स्पीड पे रोटेट करवाएंगे तो व्हाइट कलर हमें मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। रिवर्सल भी हम इसका कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये करना पड़ेगा हमें, कि अगर हम दो प्रिज्म को एक साथ रखें तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा स्पेक्ट्रम का, और वो दोबारा से व्हाइट लाइट हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ये सीबीएसई में बार बार आता है ये क्वेश्चन, देखिए 16 में आया, 17 में आया, 20 में आया। तो रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कि दो प्रिज्म हमने लिए P1 एंड P2, एंड दे आर कैप्ट इन सच ए वे दैट जो रिफ्रेक्टेड रे थी, जो इमर्जेंट रे थी, वापस से कन्वर्ट कर जाती है, एंड सिंगल बीम ऑफ लाइट इज पास्ट, एंड दिस इज व्हाइट इन कलर। एंड अभी मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, तो अगर दो प्रिज्म को एक को सीधा रखेंगे एक को उल्टा रखेंगे तो लाइट रेज वापस से सिंगल लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है, दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। एक सिंगल लाइट मिल जाती है कलर की। नाउ हाउ दिस रेनबो फॉर्मेशन अकर्स, आपने बहुत बार देखा होगा, तो ये भी लाइट का स्पेक्ट्रम ही है बेटा। उसमें तीन चीजें हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है,
डिस्पर्शन होता है एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन है सनलाइट का बाय रेनड्रॉप, जो कि स्फेरिकल रेनड्रॉप है। ये एक रेनड्रॉप है स्फेरिकल, सनलाइट इस पे गिरती है, देन रिफ्रेक्शन अकर्स, ठीक है, और वो डेविएट हो जाती है। डेविएशन के बाद वो एक पाथ फॉलो करती है और लीनियर हो जाती है। उसके बाद स्ट्राइकिंग करने के बाद जहां से वो इमर्जेंट हुई थी, जहां से वो आई थी, पैरेलल हो जाती है उसी की। थोड़ा सा और इजीली मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए व्हाइट लाइट आई यहां से स्ट्राइक टू वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि दो अलग अलग सरफेसेस हैं उसमें एंटर करती है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस जब वो बाहर निकलती है तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका डिस्पर्शन हो जाता है उसका। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एंड अल्टीमेटली डिस्पर्शन अकर्स एंड वी सी द ब्यूटीफुल कलर्स, है ना। तो वाटर यहाँ पे किस, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसका काम कर रही है यहाँ पे, प्रिज्म का काम करती है यहाँ पे, जो रिफ्रैक्ट करती है लाइट रे को, देन उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स आउट एंड गेट डिस्पर्स। इज इट क्लियर नाउ? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, प्लीज आप कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है दिमाग में आप उसको फटाफट से पूछ ले, ठीक है। चलिए तो एक एक फिनोमिनन की हमने बात करी, दूसरी बात आती है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन हो जिसमें से एक हमारा एटमोस्फेयर हो और दूसरा कोई भी सरफेस हो, देन इट इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है कि जो स्ट्रेट लाइट, जो स्टार की जो स्ट्रेट लाइट है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में जैसे ही एंटर करती है उसमें कंटिन्यूअसली रिफ्रेक्शन होता है अंटिल इट रीचेस अर्थ सरफेस। अब जैसे ही अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है और हमारी आईज में एंटर करती है, ये डिक्रीज कर जाती है कंटिन्यूअसली, एंड स्टार अपियर्स टू अपियर्स ट्विंकलिंग एट नाइट, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो डिफरेंट है उसकी रियल पोजीशन से, है ना, और जो अपेरेंट पोजीशन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब वो ट्रेवल कर रही है। तो जो पाथ है लाइट का वो भी चेंज हो रहा है, कौन सी लाइट का, जो स्टार से आ रही है। तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद टाइम, तो इसलिए कभी तो स्टार बहुत ब्राइट अपियर हो जाता है, कभी इफेक्ट अपियर होता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स ड्यू टू चेंजेस इन एटमोस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। एक और चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि उनकी उनका जो पोजीशन है वो भी हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखाई देती है। स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली अपियर, देखिए यहां पे एक्चुअल पोजीशन है लेकिन हमें दिखता है यहां पे ए एक्चुअल पोजीशन है, बी पे दिखाई दे रहा है, क्यों, ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है और जो बेंडिंग है वो लाइट की ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन। क्या हुआ, जैसे ही लाइट स्टार की लाइट हमारे एटमोस्फेयर में एंटर करती है इट अंडरगोज रिफ्रेक्शन, उसका रिफ्रेक्शन हुआ और ये बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, जितनी बार भी रिफ्रेक्शन होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पे बेंड हुई, ये नॉर्मल हुआ इसका, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, फिर से रिफ्रेक्शन होगा फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, एंड दिस कंटिन्यूअसली हैपेंस, नॉर्मल की तरफ ही ये बेंड करती जाएगी। सो जो अपेरेंट पोजीशन है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से, एंड अप स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन द इट्स एक्चुअल पोजीशन कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, बार 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 वो नॉर्मल की तरफ जाती जा रही है और जो रियल पोजिशन है उससे वो ऊंचा दिखाई देता है, क्लियर। चलिए तो ये बात हमने कर ली कि प्लेनेट क्यों, सॉरी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की हमने बात कर ली, प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, तो जो अमाउंट हमें ऑब्टेन होता है इट इज मच हायर देन स्टार्स, ठीक है। सो जो भी फ्लक्चुएशन होता है,
स्टार ट्विंकल क्यों कर रहे थे कि लाइट कभी ज्यादा दिखाई देती है कभी कम आती है हमारी आईज पे, तो उसकी वजह से ट्विंकलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है एंड ए कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ लाइट हमें मिलती है। ठीक है, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर एंड हैव अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ जो सोर्सेज हैं वो एवरेज हो जाते हैं जीरो एंड जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, या उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो फ्लक्चुएशंस हैं जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग दिखाई देती है वो नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर। ठीक है, तो इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैल जाना, स्कैटर हो जाना, स्प्रेड हो जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये तीन चीजों पे मेनली डिपेंड कर रहा है। नंबर वन, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट, लार्ज पार्टिकल्स लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे और जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो भी ज्यादा स्कैटर होगी। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप देखते हैं जो रेडिशनेस है हमारे संकेत सनराइज एंड सनसेट, जो ब्लू कलर है विबग्योर की हमने बात करी थी, विबग्योर। ठीक है, जो ब्लू कलर है शॉर्टर वेवलेंथ का है, स्कैटर्ड होता है हमसे ऑब्जर्वर से, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है जो रेड कलर है वो कम सबसे कम स्कैटर होता है एंड रीचेस द ऑब्जर्वर, तो रेडिशनेस लीस्ट स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा जो सिग्नल जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसपे वार्निंग सिग्नल रेड कलर का होता है, क्यों? क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ लीस्ट स्कैटरिंग, तो जो दूर से खड़ा है हमारा जो व्हीकल पे पर्सन है उसको दूर से ही दिख जाएगा क्योंकि वो स्कैटर नहीं हो रहा, तो इजिली रेड कलर वो देख पाता है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, टिंडल इफेक्ट। आप अगर एक ऐसे रूम में हो जहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो और वहां से अगर लाइट एंटर करती है हॉल में से तो आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वहां पे दिखाई देते हैं, है ना? तो इसी तरह जो अर्थ का एटमोसफेयर है वो हेटरोजीनस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल्स स्मोक के या वाटर ड्रॉपलेट्स का, डस्ट का, बट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दे बिकम्स विजिबल। ठीक है, ब्लू कलर स्काई का भी मैंने आपको बताया क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैव सम स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग है ब्लू लाइट की वो शॉर्टर वेवलेंथ की है, ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है एंड स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों में आ रही है एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, एक और कॉमन प्रोसेस एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हालांकि कुछ सालों में ये डिलीट हो गया है बट आपको स्कैटरिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये भी वही बात है, अपेरेंट पोजीशन एंड रियल पोजीशन की बात है कि जो सन है 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है एक्चुअल सनराइज से और 2 मिनट बाद तक दिखता है एक्चुअल सनसेट के, ये भी एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से है कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है जिसकी रियल पोजीशन ये है, रिफ्रेक्शन हुआ तो उसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ ऑब्जर्वर की तरफ आया जो सनराइज सनलाइट है, और सेम चीज सनसेट के टाइम पे होती है तो उसकी वजह से जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब कुछ काम की बात आप सुन लीजिए। लास्टली जो कलर था सन का सनराइज पे और सनसेट पे वो क्या होता है, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा होता है। देखिए, जब सनलाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है तो और सन जब होराइजन के पास है तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी एटमॉस्फेयर की थिकेस्ट लेयर से वो पास होगा एंड वो फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। होराइजन के पास जो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ की वो स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो हमारी आंखों में पहुंचती है। लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट कौन सी थी, विबग्योर आपने देखा था, तो इसका मतलब कैसा होगा, राइट? अगर अर्थ में कोई एटमोसफेयर ही ना हो तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, स्काई कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। इसीलिए जब हाई एल्टीट्यूड पे लोग जाते हैं तो उनको जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं है, वहां पे एटमोसफेयर नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, चाहे फोग है, चाहे स्मोक है, चाहे डिस्टेंस है, उसका सबसे कम असर उस पर होता है, इसलिए वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो
अपनी ब्यूटीफुल आईज का ध्यान रखिए, कोई भी डाउट है तो यहां पर आना है कमेंट सेक्शन में, बायोनीति पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट में लिखना है क्या प्रॉब्लम है। अगर सब समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, दूसरों को बताना है कि आप सब्सक्राइब करें, और वो कैसे कर सकते हैं आप, जितना ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, इसके पीवाईक्यूज नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। गुड लक।